नमस्कार, राजस्थान शिक्षा समाचार के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं संपत लेड आप सभी के लिए सरकारी भर्ती परीक्षाओं के अलावा जो और कौन सी नई अपडेट जारी हुई है, किस प्रकार आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको जो है उनके लिए अप्लाई करना है, कौन से सेक्टर में कौन सी वैकेंसी आई है, इसके साथ ही मैं आज से आपके लिए एक और नई जो है सुविधा कर रहा हूँ, वो है आपके लिए जो भी साथियों का मैसेज आता रहता है कि सर हम अच्छे खासी सैलरी के ऊपर हमें जो है प्राइवेट जॉब की भी अपडेट मिलती रहे, तो उस हेतु जो है आज से आपको प्राइवेट जॉब अपडेट भी डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज सभी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी सबसे पहली अपडेट जो आ रही है वो देखिए, पहली अपडेट है आपके स्टेट ओपन बोर्ड घर बैठे होगी 10वीं 12वीं की पढ़ाई। ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त तक होंगे। अधिकतम आयु की जो है कोई भी बाध्यता इसके अंदर नहीं रखी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आवेदन की तिथियां जो है आपके 26 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क प्रवेश हो सकता है, 27 अगस्त से 11 सितंबर तक, फिर 12 सितंबर से 25 सितंबर तक, फिर 26 सितंबर से 20 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग जो है आपका विलंब शुल्क रखा गया है, ₹250 होंगे अगर 12 सितंबर से 25 के बीच करेंगे तो 350, और 26 से 20 अक्टूबर तक करेंगे तो ₹500 का विलंब शुल्क लगेगा। अभी आप 26 अगस्त तक करते हैं तो फिर आपको कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम की ओर। तो नेक्स्ट अपना जो अपडेट आ रहा है देखिए, वो आ रहा है अपने जॉब अलर्ट के अंतर्गत कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन आपके लिए 31 अगस्त तक होंगे। दिल्ली पुलिस CPF CAPF में 4,300 पदों पर जो है भर्तियां होनी है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बुला में सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी जो आधिकारिक वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आवेदन 30 अगस्त 2022 को रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे, जबकि जो आवेदन शुल्क होगा वो 31 तक आप जमा करा सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती में रिक्त पदों की कुल संख्या जो है 4,300 है। इनमें 228 पद दिल्ली के सब इंस्पेक्टर पुरुष और 112 पद इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस महिला के हैं। 3,960 पद जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के JD के लिए हैं, ठीक है, JD के लिए है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, मतलब यहां पर आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु जो है January 1, 2022 तक जो है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सेल में ट्रेनी की भर्ती है होगी, 20 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ट्रेनी के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त को खत्म हो जाएगी। अभ्यर्थी ऑफिशियल पोर्टल sail.co.in/en/home पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रही है आपके एक प्रश्न हल करने के लिए स्टूडेंट को मिलेगा औसत 60 सेकंड का समय। शिक्षक भर्ती में राज्य के स्टूडेंट को मिलेगा फायदा। लेवल वन में 60% और लेवल टू में 44% जो है राजस्थान से संबंधित इसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जनवरी में प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक 2023 का विशेष सिलेबस जो है जारी कर दिया। आप सभी को पता होगा यहाँ पर आप जो है कितना वेटेज दिया गया, तो ये देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी जो भाषा है उसके 100 अंक मिलेंगे आपको। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य RTE सामयिक विषय जो 80 नंबर के हैं। विद्यालय विषय हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, गणित सामान्य विज्ञान है आपके, और आपके सामाजिक अध्ययन, इनके 10-10 अंक आपको मिलने वाले हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान जिसमें हिंदी के 8, अंग्रेजी के 8, गणित 8, सामान्य विज्ञान 8 और सामाजिक अध्ययन के 8। सूचना तकनीकी का आपके 10 नंबर है। शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 नंबर है। इस सूचना तकनीकी का आपका MCQ करवा रखा है। राजस्थान के भी टॉप जो MCQs है उनकी क्लासेज और प्रीवियस के सारे पेपर जो है आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अध्यापक लेवल टू के लिए देखो यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा जो है 80 नंबर की है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य और RTE सामयिक विषय 50 अंक है। विद्यालय विषय आपके 120 अंक का है और शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है आपके 20 अंक का रहने वाला है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर जो है राजस्थानी भाषा के टॉपिक भी इसके रहेंगे। प्रमुख राजस्थानी कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी साहित्यकार, संत और लोक साहित्य जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर मिलने वाले हैं।
अगर देखें तो यहाँ पर ट्यूटर के 100 पदों पर भर्ती है, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में 100 PHN ट्यूटर के पदों पर जो है आवेदन मांगे गए हैं, तो आप चाहे तो भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए जो इंटरव्यू है 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयार हो जाइएगा आप भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके अपडेट है और नई वैकेंसीज की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ के 153 पदों के लिए भर्ती निकली है। डेट रिमाइंडर के अंदर देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर सहायक या सहायक प्रबंधक के आपके 80 पदों के लिए जो है अंतिम तिथि 25 अगस्त है। भारतीय नौसेना के अंतर्गत ट्रेड्समैन मेट के आपके पदों की संख्या 112 है और अंतिम तिथि आपके लिए 6 सितंबर रखी गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ट्रेनिंग के आपके 200 पद हैं, अंतिम तिथि आपके 20 अगस्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए आपके PO यानी प्रोबेशनर ऑफिसर के 6432 पोस्ट है, 22 अगस्त लास्ट डेट है। CSIR ठीक है, ISCICB के लिए जो है आपके जूनियर स्टेनोग्राफर के पद है आपके 17, अंतिम तिथि 24 अगस्त रखी गई है। अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए मौका इसके अंदर आ चुका है आपके लिए। DRDO के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कलर के 759 पदों पर भर्ती के अवसर है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के आपके 890 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप चाहें तो इसके लिए भी कर सकते हैं। तमिलनाडु चिकित्सा भर्ती बोर्ड के अंतर्गत और MCC के अंदर आपके काउंसलिंग के लिए 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगली जो अपडेट ठीक है, वैसे अब भी हमने इसको देख लेता, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पहली बार राजस्थानी भाषा के टॉपिक भी सवाल आपको जो इसके अंदर दिया जाएगा, तो इसको भी अच्छे से देख के जाएगा आप सभी, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको। अब जो प्राइवेट जॉब अपडेट थी उसके अंदर देखो, सबसे पहले बात आती है आपके कंटेंट राइटिंग और सेल्स में काम करने का। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर सबसे पहले आपका जो है बेस्ट रोडवेज लिमिटेड के अंदर आपके मुंबई की लोकेशन है, इसके अंदर आपका 10,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, इसके लिए आप यहां से आवेदन कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर। बिलियंस एंड कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर का जो है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी मुंबई के अंदर वैकेंसी है, आप चाहे तो जहां पर भी या इसे रिलोकेट अगर कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 24 अगस्त तक। संकेत कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है दिल्ली के अंदर वैकेंसी, स्टाइपेंड 10,000 रुपए का मंथली है और आवेदन की अंतिम तिथि आपके 24 अगस्त है ठीक है। बेडलैम स्टूडियोज के अंदर आपके जो है दिल्ली और गुड़गांव के अंदर जो है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। सेल्स की अगर बात करें तो द लर्निंग बॉडी के अंदर वर्क फ्रॉम होम का है, यानी घर से ही आपको काम करना है, स्टाइपेंड आपके 10,000 रुपए मंथली है, 25 अगस्त 2022 तक है। फिर आपके OHMS एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपके मुंबई के अंदर 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वैकेंसी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये सारी जो है बिना कोई एग्जाम के है, तो आप आराम से इसके लिए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। फिर आपका कंपनी है ईजी एक्वायर के अंदर वर्क फ्रॉम होम है, 15,000 रुपए प्रति मंथ है इसके अंदर और 25 अगस्त तक आप इसके लिए काम अप्लाई कर सकते हैं। प्रो के प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपके बेंगलुरु के अंदर वैकेंसी है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ठीक है, अंतिम तिथि आपके 25 अगस्त इसके लिए भी रखी गई है। तो साथ ही ये थी आपके लिए आज की सरकारी जॉब अपडेट और प्राइवेट जॉब अपडेट से संबंधित वीडियो। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपके आगामी जो भर्तियां हैं उसके ऊपर मैं पूरा ब्रीफ डिस्कशन आपके लिए करने वाला हूँ, किसमें कितने पद आने वाले हैं और उनके लिए किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।